हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्पीड। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम HTML के अंतर्गत आउटपुट टैग और HTML आईडी सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने कंप्यूटर स्पीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाली बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, लाइक वाली बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर दें। ओके स्टूडेंट, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम HTML के आउटपुट टैग और HTML आईडी सेलेक्टर के बारे में पढ़ने हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं यहाँ पे नोट्स के अकॉर्डिंग। नोट्स में स्टूडेंट आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज आपको आउटपुट टैग्स यानी आउटपुट टैग के बारे में पढ़ना है। आउटपुट टैग कैसे चालू होती हैं, इस तरीके से चालू होगी, और इस तरीके से आउटपुट टैग क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। आउटपुट टैग का काम किसी भी आउटपुट को दिखाना होता है। सो स्टूडेंट्स, आइए कंटेंट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन में। इसे प्रैक्टिकल को करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने नोटपैड को यहाँ पे स्टार्ट किया। ध्यान से देखो, और सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML5 का डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे कर देता हूँ। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे डॉक टाइप को क्या किया, ऐसे डिक्लेयर्ड किया। ओके स्टूडेंट्स, HTML टैग यहाँ पे फिर से मैं चालू करता हूँ, और HTML टैग को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ कुछ ऐसे। ओके, HTML टैग चालू है और बंद है। इसी के अंतर्गत अगली टैग जो स्टूडेंट स्टार्ट होगी उसका नाम क्या होगा, हेड टैग। तो हेड टैग को चालू किया और हेड को बंद कर दिया। अगली टैग स्टूडेंट यहाँ पे बॉडी टैग चालू होंगी, और बॉडी टैग यहाँ पे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। स्टूडेंट्स, आप कौन सा प्रोग्राम करने वाले हो, आप हेड टैग के अंतर्गत टाइटल में आके यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने टाइटल टैग को चालू किया और टाइटल को यहाँ से क्लोज किया, और इसी के अंतर्गत स्टूडेंट्स मैं टाइटल को डिफाइन कर दूंगा। तो मुझे आज पढ़ने हैं आउटपुट टैग और यानी एंड, क्या पढ़ना है आपको यहाँ पे, आईडी सेलेक्टर के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। सो आईडी सेलेक्टर मैंने यहाँ पे राइट किया अभी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट मैं फाइल को सेव करता हूँ। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डेस्कटॉप के ऊपर मैंने क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे id.html के नाम से फाइल को क्या किया, सेव कर दिया। फाइल मेरी सेव है, मैंने क्लिक करके सेव किया, और इसके बाद यहाँ पे id नाम की जो मैंने अभी अभी फाइल बनाई है, मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे ओपन विथ में जाके क्लिक कर दूँगा यहाँ पे गूगल क्रोम पे। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, आपकी फाइल गूगल क्रोम पे यहाँ पे स्टार्ट हो रही होंगी। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, गूगल क्रोम में ये फाइल आउटपुट एंड आईडी सेलेक्टर नाम की फाइलें ओपन हो चुकी हैं। अब मुझे अपनी कोडिंग यहाँ पे करनी है। स्टूडेंट्स, कौन सी टैग करनी है आपको, आउटपुट टैग। सो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा आउटपुट, और इसके भीतर यहाँ पे आउटपुट टैग को यहाँ पे सबसे पहले मैं बंद कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ स्टूडेंट, जैसे हेलो डियर हाउ। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो डियर और हाउ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा और यू। ओके, सो मैंने यहाँ पे टाइप करके फाइल को कंट्रोल एस द्वारा सेव किया, और यहाँ पे ब्राउजर पे जाके रीलोड करता हूँ। स्टूडेंट आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो डियर हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, तो आउटपुट टैग ने देखा अभी क्या दिखाया, मतलब इसने क्या किया, आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके आपको यहाँ पे दे दिया है। आप आउटपुट टैग के अंतर्गत स्टूडेंट्स आप बोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, यानी आप फॉर्मेट का कोई भी प्रयोग यहाँ पे कर सकते हो। अभी मैं बोल्ड करके आपको बस दिखा देता हूँ, आप आगे चेक कर लीजिएगा कि इससे आप क्या क्या कर सकते हो। सो मैंने देखो बी को यहाँ पे चालू किया है अभी, और बी को यहाँ पे बंद कर दिया है। अब कंट्रोल एस बटन से सेव करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे रीलोड कर देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, यह टेक्स्ट आपका बोल्ड हो चुका है अभी, ठीक है, आप किसी भी फॉर्मेट में आप इसे दिखा सकते हो स्टूडेंट। ओके ओके स्टूडेंट, यदि आप इसे जैसे कैपिटल लेटर में भी दिखाना चाहते हो तो आप इसे दिखा सकते हो कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी H को कैपिटल कर दिया, और यहाँ पे A को भी मैंने कैपिटल किया, और यहाँ पे U को भी कैपिटल कर दिया। सेव करूँगा कंट्रोल एस द्वारा, और इसके बाद इसे रीलोड करता हूँ। तो आप ध्यान से देखो स्टूडेंट, आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ओके स्टूडेंट, अब हमें आगे इसमें स्टूडेंट पढ़ने हैं आईडी सेलेक्टर के बारे में।
तो आईडी सेलेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? आईडी सेलेक्टर एक प्रकार का सेलेक्टर होता है जो किसी भी एचटीएमएल के टैग को आईडी दे सकता है और आप उस आईडी के माध्यम से उसे सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यदि मैं एक इनपुट टैग चालू करूँ, स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये इनपुट टैग यहाँ पे चालू किया है मैंने, देखो अभी, तो अगर मुझे इसमें आईडी देना है स्टूडेंट तो कैसे दूंगा? यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे आईडी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, और इक्वल साइन दूंगा मैं यहीं पे जाके ऐसे, और डबल इंटेड कामा में स्टूडेंट जो उसका नाम दे दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल ए, तो अभी इस इनपुट टैग का नाम क्या बन जाएगा? ए। और इस ए के माध्यम से आप इस पर सेलेक्ट करके कोई भी काम कर सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट? इसी प्रकार से स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मैंने पी टैग चालू किया, पी का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ टैग, और मुझे इसे कोई नाम देना है आईडी के द्वारा, तो पी में जाऊँगा, पी वाली स्टार्ट टैग में, और यहाँ पे सिंपल लिखूँगा आईडी और इक्वल साइन दे के स्टूडेंट्स क्या करूँगा यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा, जैसे मैंने इसका नाम देना था बी, सो मैंने दे दिया। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखे होंगे और आपको आईडी सेलेक्टर के बारे में समझ में आया होगा। सो आप कोई भी टैग स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसे चालू करके ऐसे, और आप इसके SRC में जैसे इमेज टैग को चालू करके यहाँ पे जो भी सेट करना चाहते हो आप यहाँ पे सेट कर लो, और इसको स्टूडेंट आप कोई भी नाम यहाँ पे क्या कर सकते हो, दे सकते हो। आईडी बराबर मैं यहाँ पे कोई भी नाम यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया इमेज, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी HTML के टैग को आप आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। स्टूडेंट्स इस आईडी के पैटर्न पे और आउटपुट टैग के पैटर्न पे, यानी आउटपुट टैग के माध्यम से और इस आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग एक प्रकार का एप्स यानी इनको मिला के एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे डेवलप करेंगे स्टूडेंट अगली वीडियो में। सो इसको सबसे पहले अच्छे तरीके से आप लोग इस वीडियो में समझ लीजिएगा, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे उस पर काम करेंगे। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा स्टूडेंट, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्त होता रहे। सो कंप्यूटर स्पीड चैनल की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।